महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अब उनके बेटे आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। अजीत पवार एक बार फिर से राज्य के उपमुख्यमंत्री बने हैं। महीने में दूसरी बार उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। कैबिनेट विस्तार में कुल 36 मंत्रियों ने शपथ ली है। पीएम मोदी ने नागरिकता कानून के समर्थन में ट्विटर कैंपेन की शुरुआत की है। हैशटैग इंडिया सपोर्ट सीएए की से पीएम मोदी ने कैंपेन की शुरुआत करते हुए लिखा है कि सीएए का समर्थन भारत करता है क्योंकि सीए सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है, ये किसी की नागरिकता लेने के बारे में नहीं। गृहमंत्री अमित शाह का चित्रकूट दौरा रद्द हो गया है। यहां दिव्यांग विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अमित शाह को शामिल होना था। अमित शाह के साथ सीएम योगी को भी चित्रकूट जाना था। लखनऊ में आयोजित 43वें हिंदी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लेखकों ने हमारे साहित्य को अलग अलग तरीके से तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया है, देश के युवाओं को बरगलाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये देश के सभी लेखकों की जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न न हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में 12 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में अजय कुमार लल्लू, आराधना मिश्रा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई नेता मौजूद रहे। लखनऊ राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पार्टी दफ्तर पहुंचा। यहां पहुंचकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को राज्यपाल के साथ हुई मुलाकात का ब्यौरा दिया। राज्यपाल से मुलाकात कर बोले प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कहा कि सीए के विरोधियों को हिंसा फैलाने के आरोप में फंसाया गया है। विरोध प्रदर्शन में निर्दोषों को फंसाए जाने के राज्यपाल को सबूत दिए। राज्यपाल को पुलिस से जुड़े वीडियो की पेनड्राइव सौंपी गई है। दुष्यंत कुमार की पुण्यतिथि पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल जिस तरह से हिंदुस्तान में कांग्रेस को एक मुस्लिम पार्टी बनाकर जातिवाद पर राजनीति कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए बेहद खतरनाक है। राहुल जी इस्लाम कबूल करके पाकिस्तान में अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए सियासी जमीन तैयार करें। इसके साथ ही नागरिकता कानून पर बोलते हुए वसीम रिजवी ने कहा है कि हिंदुस्तान मोदी जी के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। कांग्रेस हिंदुस्तान पर रहम खाए, सीए और एनआरसी पर मुसलमानों को गुमराह ना करें। संतकबीर नगर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सीए और एनआरसी के मुद्दे पर प्रदेश में हुई हिंसा के लिए समीर सिंह ने सपा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि एनपीआर के बहिष्कार पर अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। कौशल किशोर ने कहा है कि यूपी में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोग मेडिकल कराने जाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर योगी सरकार ने मंदिर निर्माण की रूपरेखा पर काम शुरू कर दिया है। 3 मंजिल मंदिर बनाने पर सरकार सहमति बना रही है। लखनऊ में 28 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में हुई चूक पर सीआरपीएफ ने सफाई दी है। साथ ही प्रियंका को सुरक्षा मानकों का सम्मान करने की भी सलाह दी। सीआरपीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि प्रियंका गांधी ने सीआरपीएफ को बिना बताए और सूचना दिए बिना स्कूटी पर यात्रा की। अमरोहा में गरीबों को जिलाधिकारी और कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की मौजूदगी में फटे हुए कंबल बांटे गए। अमरोहा में कलेक्ट्रेट परिसर में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। बता दें कि शासन की ओर से कंबल वितरण के लिए जिला प्रशासन को 20 लाख रुपए की धनराशि दी गई। नए साल पर सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सख्त कदम उठाए हैं। नए साल पर सभी तैयारियों को ऑपरेट करने के लिए 1090 पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ के जामिया उर्दू के रजिस्ट्रार और ओएसडी पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है।
गार्डनर सुपरवाइजर कमल सिंह ने आरोप लगाया है। साथ ही धन परिवर्तन न करने पर सैलरी रोकने और नौकरी से निकालने की भी धमकी दी। डीआईजी से शिकायत के बाद कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। खुफिया जानकारी लीक होने के बाद एक्शन में नौसेना आई है। नौसैनिक अब फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फेसबुक के जरिए जासूसी के आरोप में 7 जवान पकड़े जा चुके हैं। पाकिस्तान को खबरें लीक करने पर यह कार्रवाई की गई है। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के तेलीपाड़ा में लगभग एक दर्जन से ज्यादा घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर लगने के स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी है, जहां मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। कुशीनगर में नया साल मनाने वालों को इस बार निराशा हाथ लगने वाली है। प्रदेश में धारा 144 का हवाला देकर जिला पुलिस प्रशासन ने कुशीनगर में नए साल का जश्न मनाने पर पहरा बैठा दिया है। 5 से ज्यादा लोग यहां एक साथ जा नहीं सकते। चदौसी में नागरिकता कानून के विरोध में हुए बवाल के बाद पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। इसके साथ ही हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए पुलिस उपद्रवियों को भी चिन्हित कर रही है। श्रावस्ती में एसपी ने सोनवा, भनवा, भिंगा और मलहीपुर थाने में अपराध समीक्षा की। इस दौरान तीनों थानों में कई मामले निलंबित पाए गए हैं, जिसको लेकर थानों में कोतवाल की जमकर क्लास लगाई गई। इसके साथ ही मामलों का जल्द ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद में मशहूर डायरेक्टर फराह खान और फिल्म एक्ट्रेस रवीना टंडन और भारती सिंह के खिलाफ धार्मिक युवक ने भावनाओं को आहत करने की शिकायत इंदिरापुरम थाने में दी गई है। 25 दिसंबर को फराह खान के शो बैक बेंचर्स में ईसाई धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। रुद्रपुर में डीएम के नाम से 30 दिसंबर की फर्जी छुट्टी के आदेश का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फर्जी लेटर के वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। फर्जी लेटर में बढ़ती ठंड के चलते विद्यालयों के बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। गढ़वाल में गुलदार से भिड़कर अपने भाई को मौत के मुंह से बचाने वाली 10 वर्षीय राखी रावत को अब दिल्ली में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 26 जनवरी को बहादुर बेटी को वीरता पुरस्कार से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली में सम्मानित करेंगे। मेरठ पुलिस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक एसओ सड़क किनारे रेड़ी पर मूंगफली बेच रहे गरीब की जमकर पिटाई कर रहा है, जिसका वीडियो एक स्थानीय पत्रकार ने बना लिया तो एसओ ने पत्रकार से अभद्रता की। आगरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं मामले में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगरा के थाना ढोकी के नगला बांस में एक महिला को जमीन पर गिराकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। घर के सामने से पानी निकलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पीड़ित महिला ने आरोपियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया। लखनऊ में बेखौफ दबंगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर की दबंगों ने एक गरीब की पिटाई। बेबस पति को बचाने के लिए महिला तमाम प्रयास करती रही। सूचना मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जम्मू कश्मीर में पारा लगातार गिरता जा रहा है। भारी बर्फबारी ने हर तरफ ब्रेक लगा दिया है। बारामूला में भारी बर्फबारी, रेलवे स्टेशन पर कई इंच बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते कुछ दिनों से पारा 5 डिग्री के नीचे ही रह रहा है। वहीं पारे ने गिरावट का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सप्ताह के पहले दिन दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी पूरी तरह से जीरो रही, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देवरिया में भी इस समय ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। यहां का आज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसकी वजह से कई ट्रेनें लेट हुई तो कई रद्द। इसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी के कानपुर में ठंड से लोगों का बुरा हाल है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है। शीतलहर की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है।
उन्नाव के सुषमा हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। आग लगने से अस्पताल में लोगों में हड़कंप मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अस्पताल में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया। घर में आग लगने से 5 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। घर में रखे फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कानपुर देहात में टेम्पो और बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे टेम्पो पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया है। दनकौर में कोहरे की वजह से कार नहर में गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्नाव में कोहरे के चलते बोलेरो कार हाईवे से नीचे गिर गई। हादसे में 1 की मौत हो गई, वहीं 1 घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुर्घटनाग्रस्त कार लखनऊ से कानपुर जा रही थी। एटा जिले के जलेसर थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दरकपुर गांव के पास बाइक को बचाने के चक्कर में सवारियों से भरा एक टेम्पो पलट गया, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों को गंभीर हालत में आगरा रेफर कर दिया गया। अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स की संख्या 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की है। इसके साथ ही इस स्कीम से जुड़ने की आयु सीमा को बढ़ाने की भी अनुशंसा की गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम एक बार फिर 75 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर गए हैं। साथ ही देश के अन्य महानगरों और राज्यों में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार 3रे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के विभिन्न शहरों में डीजल के भाव में 19 पैसे तक की तेजी देखी गई है। वहीं पेट्रोल 12 पैसे से लेकर 17 पैसे तक महंगा हुआ है। देश की टॉप 50 कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान 59,600 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है। कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए कदम उठाया है। इससे कंपनियों को बैंक से मिलने वाले कर्ज में सुधार होगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय के दौरान इन कंपनियों को घरेलू बैंकों से मिलने वाले कर्ज में गिरावट आई है। जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत 2026 तक चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। ब्रिटेन स्थित सीईडीआर के मुताबिक इस वर्ष में फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2034 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो 2020 में कंसास की सीनेट सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पोम्पियो विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव के रूप में बने रहेंगे। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के लिए तय की गई समय सीमा से पहले देश की सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की है। इस दौरान सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की भी भावी रणनीतियों पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में राष्ट्र निर्माण और देश की रक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। यूक्रेन और देश के पूर्वी हिस्से में मौजूद रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच कैदियों की अदला बदली शुरू हो गई है। कैदियों की अदला बदली का समझौता पेरिस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच हुआ। कैदियों की ये अदला बदली दुतेस्को के क्षेत्र के औद्योगिक शहर होलिव्याका के पास स्थित एक चेक प्वाइंट पर हुई है। अमेरिकी सेना ने सोमालिया में अल शबाब आतंकवादी समूह के खिलाफ जबरदस्त हवाई हमले किए। हमले में अल शबाब के 4 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। आपको बता दें कि अलकायदा की घटती ताकत और समर्थन के चलते इस्लामिक कट्टरपंथियों के बीच अब अल शबाब ज्यादा लोकप्रिय है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है कि वो फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहते हैं। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैंने अपने लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं, उनमें से एक है फिल्मों में काम करना। डीडीसीए की वार्षिक आम सभा में कई फैसले लिए गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी मनजोत कालरा को 2 साल के लिए बैन करने का फैसला भी लिया गया है। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों पर अभी भी तलवार लटकी हुई है।
फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के गाने गर्मी गर्मी ने भी फिल्म के पूरे गानों पुराने गानों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गाने में बॉलीवुड एक्ट्रेस नौरा फतेही का डांस काफी पसंद किया जा रहा है। हाल ही में रिलीज हुई सॉन्ग गर्मी गर्मी को यूट्यूब पर 4.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है।